इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार में एडमिशन पोर्टल का यूआरएल दर्ज कीजिए admission.hed.gkp.pk और इंटर का बटन दबाइए। आपके सामने होम पेज एडमिशन पोर्टल का आ जाएगा। जब पहली दफा आप पोर्टल में आए हैं और अपना अकाउंट आपने नहीं बनाया तो आपने क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पर। रजिस्टर नाउ में आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और पासवर्ड का इंतखाब करेंगे। इसके बाद जब आप अकाउंट एक दफ़ा रजिस्टर कर लें, अपने मोबाइल नंबर की रजिस्ट्रेशन कर लें, तो फिर आप लॉगिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगिन के ज़रिए आप अपने अकाउंट में दाखिल होते हैं। लेकिन फिलहाल हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे ताकि हम अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकें। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म जाहिर होता है। इस पर आपने दो तरह की इंफॉर्मेशन देनी है सिस्टम को। एक, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। अगर आपका जाती मोबाइल नंबर है तो ठीक, वरना घर के किसी फर्द का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए ख्याल रहे कि ऐसा मोबाइल नंबर दें जो कि एक्सेसिबल हो आपको और कनेक्टेड हो और उस पर मिलने वाले पैगाम आपको मिल सके। मोबाइल नंबर लिखने के बाद पासवर्ड का इंतखाब कीजिए। पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। कैप्चा क्वेश्चन का जवाब दीजिए और क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो चुका है। सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन भी कर चुका है और आपके सामने इंस्ट्रक्शंस जाहिर हुई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल अपडेट करना है। इसके बाद फिर अगर आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपना मैट्रिक का प्रोफाइल अपडेट करना है। अगर बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट का प्रोफाइल अपडेट करना है। पर्सनल प्रोफाइल में सबसे पहले आपने अपना नाम दर्ज करना है। नाम दर्ज करते हुए ख्याल रहे कि आपने वो नाम लिखना है जो आपके मैट्रिक के डीएमसी में है, उसी स्पेलिंग के साथ। अपने वालिद का नाम लिख देना है। फिर अगर आपका शनाख्ती कार्ड है तो उसका नंबर दें या फॉर्म बी का नंबर दर्ज कर दीजिए। ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड फील्ड्स के ऊपर एक रेड स्टेरिक का निशान होता है। ऐसे फील्ड्स को इंटर किए बगैर आपकी अप्लाई दुरुस्त नहीं होगी। तो जहां भी, जिस फील्ड पर भी रेड स्टेरिक का निशान हो उसको लाजमी दर्ज कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर करते हुए भी ये ख्याल रखना है कि आपके मैट्रिक के डीएमसी में जो डेट ऑफ बर्थ है आप वही लिखें। जेंडर की सिलेक्शन कीजिए, ये भी एक लाजमी फील्ड है। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो उसका इंतखाब कीजिए, नहीं तो अननोन का सिलेक्शन कर दीजिए। इसके बाद नेशनलिटी और रिलीजन का भी इंतखाब कर दीजिए। अपने सूबे की इंफॉर्मेशन दे दीजिए और किस सूबे में किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है वो इंफॉर्मेशन भी सिस्टम को दे दीजिए। उस जिले में किस तहसील से आपका ताल्लुक है ये इंफॉर्मेशन भी दर्ज कर दीजिए। यूनियन काउंसिल का फील्ड आप फिलहाल खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन दर्ज करने में कोई कबाहत नहीं। मेलिंग एड्रेस लाजमी पुर कीजिएगा। अपने पेरेंट या गार्डियन का कॉन्टेक्ट नंबर दर्ज कर दीजिए। ये नंबर आपने जिस नंबर पर रजिस्ट्रेशन की है उससे डिफरेंट होना चाहिए। अपने पेरेंट या गार्डियन का शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज कर दीजिए। अगर लैंडलाइन नंबर मौजूद है तो वो इंफॉर्मेशन भी दे दीजिए। अपने पर्सनल प्रोफाइल को सेव कीजिए।
जैसे ही आप पर्सनल प्रोफाइल को सेव कर देंगे, आपको मैसेज मिलेगा कि आपका प्रोफाइल सेव हो गया है और ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे एकेडमिक इंफॉर्मेशन की अपडेशन पर। अगर आपने इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना है तो अपना मैट्रिक का प्रोफाइल अपडेट कीजिए और सिस्टम भी आपको ऑटोमेटिकली मैट्रिक के प्रोफाइल के अपडेशन पर वाले पेज पर ले जाता है। सबसे पहले आपने मैट्रिक किस स्टडी ग्रुप में पास किया है उसका इंतखाब कीजिए, किस सूबे से पास किया है सूबा दर्ज कीजिए, किस बोर्ड से पास किया है बोर्ड का इंतखाब कीजिए, आया एनुअल में पास किया है या सप्लीमेंट्री में इस ऑप्शन का इंतखाब कीजिए, और किस साल में पास किया है वो लिख लीजिए, अपने रोल नंबर का इंदराज कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपने मैट्रिक मार्क्स लिख लीजिए। टोटल मार्क्स कितने थे वो लिख लीजिए, हाफिज कुरान है या नहीं वो उसका इंतखाब कीजिए, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है किस सूबे में वाकिया था वो दर्ज कीजिए, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिए, स्कूल किस तहसील में वाकिया था वो भी लिख लीजिए। ये तीनों लाजमी फील्ड्स हैं। स्कूल का यूनियन कौंसल अगर मालूम है तो लिख लीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। स्कूल का नाम लाजमी लिखिए और अपना मैट्रिक का प्रोफाइल सेव कर दीजिए। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपका अकाउंट रेडी हो चुका है। सूबे के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आप न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। एडमिशन रिक्वेस्ट का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ कॉलेज टाइप का इंतखाब कीजिए। जनरल कॉलेज का मतलब है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको दाखिला दरकार है उसका इंतखाब कीजिए, उस जिला के कॉलेज का नाम मुंतखब कीजिए, कौन से साल में एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में या बीएस में इसका इंतखाब कीजिए, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है जैसे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वगैरह इसका इंतखाब कीजिए, कॉलेज प्रोग्राम के सब्जेक्ट ग्रुप मुंतखब कीजिए और कौन से कोटा पर अप्लाई करना है इसका इंतखाब कीजिए। किसी भी कॉलेज में आप मुख्तलिफ कोटों पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप इस कोटा के लिए एलिजिबल हों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लोकल का मतलब यह है कि आपके पास कॉलेज के जिले का डोमिसाइल है या आपके वालिदैन में से किसी की मुलाजमत कॉलेज के जिला में हो या आपने मैट्रिक कॉलेज के जिला से किया है। दूसरी तरफ जो रिस्ट्रिक्शन लोकल का मतलब यह है कि कॉलेज जिस इलाका या तहसील में वाकया है, जैसे जहानजेब कॉलेज के लिए इसका मतलब है तहसील बाबुजई और तहसील बेरकोट। बाकी क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट लोकल की तरह का ही है। नॉन लोकल का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं और ना तो आपका ताल्लुक जो रिस्ट्रिक्शन से है और ना कॉलेज के जिला से। अब यहाँ चूंकि जो रिस्ट्रिक्शन की सिलेक्शन हुई है तो जो रिस्ट्रिक्शन का क्राइटेरिया भी मेंशन करना है। तो क्राइटेरिया जैसे कि पहला हैविंग डोमिसाइल ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन एरिया, उसकी सिलेक्शन हुई। इसके बाद फिर आपके पास किस एरिया का डोमिसाइल है, किस तहसील का, चूंकि ज्यूरिस्डिक्शन है तो तहसील का जिक्र हुआ, तो वो भी यहाँ पर दर्ज कर दें और सबमिट का बटन प्रेस कर दें। हर एप्लीकेशन के लिए आपको अलग अलग ट्रैकिंग आईडी और अलग वाउचर नंबर मिलेगा। वाउचर नंबर आपको मोबाइल नंबर पे भी मौसूल होगा। ये वाउचर नंबर आप किसी भी जैस कैश रिटेलर शॉप को दिखाइए और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी की पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका जो पेंडिंग स्टेटस है एप्लीकेशन का वो वेरीफाइड में तब्दील हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर होगा। एक एप्लीकेंट मुख्तलिफ कोटास पर एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको अपने तमाम एप्लीकेशंस माई एप्लीकेशंस के मेन्यू में मिलते हैं। यहाँ आप
अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर पेमेंट पेंडिंग है तो आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने एप्लीकेशन की प्रिंट भी यहाँ से ले सकते हैं व्यू एप्लीकेशन के जरिए।